नमस्कार दोस्तों, वेक्टी डॉट इन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मेरे पास है यहाँ पर दो सेट, एक है रियलमी का 5i और दूसरा है रियलमी का ही नार्जो 20। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों, हार्डवेयर के लिए हम आ गए दोनों फोन के अबाउट होम सेक्शन में। सबसे पहले बात करें UI की, तो कलर OS का वर्जन 6 आपको मिलता है यहाँ पर रियलमी 5i में इनबॉक्स। वहीं बात करें नार्जो 20 की, तो रियलमी UI V10 आपको मिलती है नार्जो 20 में। बात करें दोनों फोन के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रियलमी 5i में आपको इनबॉक्स मिलता है पाई, जबकि नार्जो 20 में आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा। बात करें प्रोसेसर की, तो रियलमी 5i में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 11 नैनोमीटर पर यह वर्क करता है। इसकी चार कोर हैं 2 GHz क्रियो 2060 गोल्ड की और चार कोर हैं 1.8 GHz क्रियो 2060 सिल्वर की। एडिनो 660 मिलता है यहाँ पर GPU और 4 GB की है रैम। वहीं बात करें नार्जो 20 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 12 नैनोमीटर पर ये वर्क करता है। इसकी दो कोर हैं 2 GHz कॉर्टेक्स A75 की और 6 कोर हैं 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। माली G52 MCU आपको मिलता है यहाँ पर GPU और 4 GB की रैम यहाँ भी आपको दी गई है। तो ये दोनों फ़ोन के हार्डवेयर आपने देखा, यहाँ पर नार्जो 20 में 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है और रियलमी 5i में 11 नैनोमीटर प्रोसेसर आपको दिया गया है। आप देखते हैं स्पीड में कितना डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में रहने वाला है। तो दोस्तों, स्पीड के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड करके दोनों ही फ़ोन में जैसे कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन फास्ट परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दोनों ही फ़ोन की रैम, आप देख सकते हैं क्लियर है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। और स्टार्ट करेंगे अपना स्पीड टेस्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि हमारा IMX शेयर करो, और मैंने टैप कर दिया IMX शेयर पर और रियलमी 5i में ये जल्दी लोड हुआ है। स्ट्रीट रेसिंग नेक्स्ट एप्लीकेशन, और मैंने टैप कर दिया स्ट्रीट रेसिंग पर। क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर 5i का थोड़ा स्लो था और लोडिंग दोनों फ़ोन में चल रही है, और देखते हैं क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो फाइनली ये एप्लीकेशन यहाँ पर रियलमी 5i में जल्दी लोड हुआ है कम्पेयर टू नार्जो 20। स्मैशेट नेक्स्ट एप्लीकेशन, और मैं टैप कर रहा हूँ स्मैशेट पर, देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। दोनों फोन में लोडिंग अभी भी चल रही है और ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर 5i में ही जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर, और मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पर पॉप शूटर पर, देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पर रहता है। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर नार्जो 20 में जल्दी लोड हुआ है। मॉडर्न सिटी नेक्स्ट एप्लीकेशन, टैप कर दिया मॉडर्न सिटी पर, लोडिंग यहाँ पर दोनों फ़ोन में चल रही है। और मजे की बात यह है क्विक रेस्पॉन्स भी यहाँ पर दोनों फ़ोन का ठीक है, किसी का भी स्लो नहीं है, और ये एप्लीकेशन भी नार्जो 20 में जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्रेजी जूसर, और मैं टैप कर रहा हूँ क्रेजी जूसर पर, और देखते हैं क्या रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी दोनों फ़ोन में लोडिंग चल रही है। और फाइनल टच की बात करें, तो ये एप्लीकेशन रियलमी 5i में जल्दी लोड हुआ है एज़ कम्पेयर टू नार्जो 20। लेफ्ट वर्ड नेक्स्ट एप्लीकेशन, और मैंने टैप कर दिया लेफ्ट वर्ड पर, और ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर 5i में ही जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हिल क्लिम, और मैंने टैप कर दिया हिल क्लिम पर, क्विक रेस्पॉन्स 5i का थोड़ा स्लो था और लोडिंग स्टार्ट हो गई है दोनों ही फ़ोन में। देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट कैसा रहने वाला है दोनों ही फ़ोन का। तो ये एप्लीकेशन भी यहाँ पर नार्जो 20 में जल्दी लोड हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ये हमारा बॉक्स वर्ड, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है, और टैप कर रहा हूँ बॉक्स वर्ड पर, देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट रहता है। क्विक रेस्पॉन्स 5i का थोड़ा स्लो था एज कम्पेयर टू नार्जो 20, लोडिंग दोनों फ़ोन में चल रही है, और ये एप्लीकेशन भी नार्जो 20 में जल्दी लोड हुआ है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लॉन्च करे थे ये कुछ सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और आपने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन यहाँ पर नार्जो 20 में जल्दी लोड हुए थे, हालांकि शुरू के 2-3 एप्लीकेशन 5i में जल्दी लोड हुए थे। अब यहाँ पर लॉन्च कर लेते हैं ये कुछ नेटिव एप्लीकेशन, फिर देखेंगे रैम मैनेजमेंट दोनों ही फ़ोन का कैसा वर्क करता है। तो फ़ोन, मैसेज और तीसरा एप्लीकेशन गैलरी, 3 एप्लीकेशन यहाँ पर हो चुके हैं नेटिव, 9 थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर 12 एप्लीकेशन है। अब देखते हैं रैम मैनेजमेंट, दोनों ही फ़ोन में 4 GB की रैम भी आपको मिल रही है। फर्स्ट एप्लीकेशन आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। सेकंड एप्लीकेशन, और ये भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा स्मैशेट, दोनों ही फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पॉप शूटर, चेक कर लेते हैं पॉप शूटर को क्या रिजल्ट है। तो ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन मॉडर्न सिटी, और चेक कर लेते हैं मॉडर्न सिटी को, तो ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। क्रेजी जूसर नेक्स्ट एप्लीकेशन, चेक कर लेते हैं, ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा लैप्स वर्ड, और चेक कर लेते हैं लैप्स वर्ड को, तो ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर है। हिल क्लिम नेक्स्ट एप्लीकेशन, और चेक कर लेते हैं हिल क्लिम को, तो ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन
और लास्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बॉक्सवर्ड, और ये भी सोनी फोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेटिव एप्लीकेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट सोनी फोन के बैकग्राउंड पर बने हुए हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन थे हमारे मैसेज, ये भी सोनी फोन के बैकग्राउंड पर है। और फाइनल और लास्ट एप्लीकेशन गैलरी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी सोनी फोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर स्पीड में नार्जो 20 थोड़ा अच्छा है, लेकिन रैम मैनेजमेंट में यहाँ पर रियलमी 5i में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग आप सोनी फोन से यहाँ पर कर पाएंगे। हालांकि स्पीड के मामले में थोड़ा सा स्लो है यहाँ पर रियलमी 5i एज कम्पेयर टू नार्जो 20। तो ये था हमारा रियलमी नार्जो 20 और रियलमी 5i के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।